सोशल मीडिया पे एक बात की चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है और हमारे भोजपुरी के यूट्यूबर महेश पांडे जी भी बोलते हैं कि प्रीति पासवान जो नेपाल की टिकटॉकर है उससे खेसारी भाई को काम देना चाहिए। तो आइए पहले हम ये एक्सपोज करते हैं कि खेसारी भाई की कितनी बड़ी दुश्मन थी प्रीति पासवान एक टाइम पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं बता देना चाहता हूं, जब हमारी सोम्या पोखरेल जो खेसारी भाई के टैटू हाथ पे बनाई थी, जब उनको अपने गाने में काम देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं जलन बहुत बड़ी तरीके से होती है। उसके बाद में सीधा पवन सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद में इंटरव्यू में बोलती है कि पवन फिल्म देखा हम पवन सिंह के, पवन सिंह बाप है भोजपुरी इंडस्ट्री के, ऐसा वैसा करके इंटरव्यू में बताती है। उसके बाद में टैटू के बारे में उसको कमेंट करते हैं कि आप भी टैटू बना ले, हमारा टैटू बनाने की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े टैलेंट वाली कि हम भोजपुरी में जा सके, हमारे ऐसे ताल नहीं है। ये जो है रिपोर्ट देती है, ये टाइप का वीडियो बनाती है। तो आप ये बताओ कि किस आधार पे इस लड़की को काम देना चाहिए? जो लड़की खेसारी भाई को आइडियल मानती नहीं है, उनको हीरो मानती नहीं है, उनको भोजपुरी स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरो मानती नहीं है, तो उस टाइप की लड़की को खेसारी लाल यादव काम क्यों दे? आखिर जो आदमी फैन होता है तो भाई काम मांगने के लिए झुकना पड़ता है, वो पूरा सीना तान के हमारा में टैलेंट बा, हम अपने हमारा के अपने बुला लिए, ऐसे करके जो है बयानबाजी करती है आके इंटरव्यू में वीडियो में। तो बता देना चाहता हूँ, स्टेज शो पे भी बताती है कि मेरा पवन सिंह के साथ प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ है हमें ये बताओ, प्रोजेक्ट कहाँ है? जो खेसारी लाल यादव तुमको काम नहीं दिए तो तुम्हें काम देने वाले तो बहुत लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई भी आपको काम दे सकता है तो आप काम मांग सकती हो। लेकिन आपको जरूर पता होगा कि खेसारी लाल यादव अगर तुम्हें काम नहीं देते हैं तो तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारी जो एक पहचान है वो नहीं बन पाएगी। सोम्या पोखरेल को एक गाने में लेते हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप सबको पता है कि वो लड़की जो है आज कहां से कहां पहुंच चुकी है, और यही देख के कहीं ना कहीं प्रीति पासवान को जलन होती है, यही नफरत पैदा होती है सोम्या पोखरेल के लिए, इसीलिए खेसारी लाल यादव की फैन बनते बनते पवन सिंह की फैन बन जाती है। शायद इसीलिए पवन सिंह को काम देना चाहिए था, उनको पवन सिंह के साथ उसको काम करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही है कि खेसारी लाल यादव से अच्छे एक्टर पवन सिंह है, भोजपुरी के बादशाह पवन सिंह है। तो जब पवन सिंह सब कुछ है आपके लिए तो खेसारी लाल यादव इनको क्यों काम दे, और महेश पांडे क्यों रिकमेंड कर रहे हैं इस लड़की को काम देने के लिए? बहुत लड़कियां हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसको काम दे सकते हैं खेसारी लाल यादव, इस लड़की को क्यों दे? मानते हैं डांस अच्छा करती है, एक्सपीरियंस अच्छा देती है, तो पवन सिंह उनको काम देते, उनको उनके बाद बहुत लोग स्टार हैं उनको काम देने के लिए। अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह का शूटिंग चल रहा है नेपाल में, वहां पे मिलने गई थी, बताशा चाचा से मिली, उसके बाद में सुशील सिंह से मिली, विजय चौहान से मिली, तो उन्हीं सब से काम मांग ले, उन्हीं सब उनको काम देंगे, उन्हीं सब उनको स्टार बनाएंगे। खेसारी लाल यादव उसे लड़की को स्टार नहीं बना सकती, ये समझना चाहिए आपको, और फालतू में बयानबाजी करना चाहिए यूट्यूब में आके काम दे दो ऐसा दे दो ऐसा दे दो नहीं करना चाहिए। जो लड़की खेसारी भाई की इतनी बड़ी दुश्मन है उस लड़की को काम देना कहां तक अच्छा होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो इसी वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है।